गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष यादव अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई कोका भिलाई से फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के टॉपिक वेल्डिंग के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन वेल्डिंग के डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है वेल्डिंग, उसके बाद अपन उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूजेस और टाइप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है वेल्डिंग का, ठीक है। ये वेल्डिंग का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहे हैं, जब दो समान या फिर असमान धातुओं को एक फिक्स्ड टेम्परेचर में अपन हीट देते हैं, ठीक है, अपन प्रेशराइज्ड वे में या फिर बिना प्रेशर के, फिलर मटेरियल या फिर बिना फिलर मटेरियल का यूज करके अपन जो परमानेंटली किसी भी दो धातु या फिर किसी भी चीज को जब जोड़ते हैं तो वो होता है वेल्डिंग, ठीक है। वैसे ही फिलर मटेरियल से अपन धातु मतलब मेटल या फिर थर्मोप्लास्टिक जो भी होता है उसके वर्कपीस को, वर्कपीस मतलब जिस जॉब को अपने को जोड़ना है उसको अपन हीट यूज करके अपन जोड़ सकते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस को अपन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, देखो वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर टू पीसेस ऑफ मेटल सो दैट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस एट दियर ओरिजिनल बाउंड्री सरफेस व्हेन टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंड आर मेल्टेड टुगेदर हीट और प्रेशर और बोथ इज अप्लाइड एंड विथ और विदाउट एडेड मेटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि अपन प्रेशर के या फिर बिना प्रेशर, फिलर मटेरियल या फिर बिना फिलर मटेरियल यूज किए अपन जब हीट देके किसी भी धातु मतलब समान धातु या फिर असमान धातु इनको अगर हम जोड़ते हैं हीट देने के बाद तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेल्डिंग। जैसा कि हमने अभी देखा कि अपन देख लिए कि वेल्डिंग होता क्या है, अब वेल्डिंग यूज कहाँ कहाँ पर होता है, देखो वेल्डिंग यूज होता है अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वेल्डिंग का यूज पड़ता है, मशीन के पार्ट्स बनाने में भी अपन वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन जिसमें फ्रेम वर्क होता है, फ्रेम मतलब उसका पहले एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं फ्रेम, वो फ्रेम वर्क के लिए भी अपने को वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर अपन जो भी मशीनों की मरम्मत करते हैं मतलब मेंटेनेंस करते हैं उसके लिए भी अपने को वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो तोप बनाने के लिए, टैंक वगैरह के लिए या फिर जो भी गन्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और एरोप्लेन्स वगैरह को देखा जाए मतलब एरोनॉटिकल में भी वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया यूज ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अपन वेल्डिंग के अलावा किन्हीं भी दो धातुओं को आपस में बांध के भी तो अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बांधने में और वेल्डिंग करने में दोनों में फर्क होता है। देखो उसके हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं कि वेल्डिंग के लाभ क्या क्या होते हैं मतलब एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। तो सबसे पहला तो स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, अगर अपन किसी भी चीज को किसी भी धातु को चाहे वो समान धातु हो या फिर असमान धातु हो उनको अगर अपन जोड़ेंगे वेल्डिंग के थ्रू तो जो उसकी बॉन्ड रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी और परमानेंटली रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है इसमें अपना एडवांटेज वो क्या हो सकता है, एक तो टाइम कम लेता है, ठीक है, और इसका कॉस्ट भी लो होता है मतलब कम खर्चा और कम समय में हमको अच्छा बॉन्ड मिल जाता है मतलब स्ट्रांग बॉन्ड मतलब जो भी ज्वाइंट होता है बहुत ही अच्छा होता है, आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट लिखा है, इट कैन बी टॉलरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट, इसका मतलब है ये ज्वाइंट जो भी बनेगा ये अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे इसको भी ये ज्वाइंट सहन कर सकता है आसानी से मतलब ये टूटेगा नहीं। अगर वैसे ही अगर आप देख फॉर एग्जांपल देख लें कि अगर अपन किसी भी धातु को तार या फिर किसी अन्य साधन से अगर अपन बांधते हैं और उसको अगर अपन हीट देंगे तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन वेल्डिंग करने का लाभ ही यही होता है कि अगर आप उसको
हाई अमाउंट ऑफ हीट भी देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी देंगे, उसके बाद भी ये इसको सहन कर लेगा और जोड़ वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या होता है, हाई क्लास क्वालिटी, मतलब जो भी जॉइंट रहता है उसकी क्वालिटी उच्च कोटि की होती है, ठीक है। ये भी एक लाभ होता है, मतलब जो भी जॉइंट बना है बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हाई क्वालिटी होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग जॉइंट वी कैन यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ फिलर मटेरियल, मतलब जॉइंट बनाने के लिए हमको फिलर मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है। फिलर मटेरियल जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे कहीं भी वेल्डिंग दुकान में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा एक रॉड होता है, ठीक है, अपन उसको वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, वही एक्चुअल में होता है फिलर मटेरियल। उसी के थ्रू अपन किसी भी दो समान या फिर असमान मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वही होता है फिलर मटेरियल, ठीक है। ये सब तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है, कम टाइम और लो कॉस्ट होता है, ठीक, और हाई अमाउंट ऑफ हीट को ये सहन कर लेता है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो हाई क्लास होती है। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें जो भी जॉइंट बनता है उसको जॉइंट करने के लिए अपने को कम अमाउंट में फिलर मटेरियल का यूज़ पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपन देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें पहला लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग जॉइंट्स वी नीड हाई अमाउंट ऑफ हीट, इट अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब बोल रहा है कि अपने को वेल्डिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसा कि अपने लास्ट टाइम देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, उसमें अगर अपन किसी भी चीज़ को अगर हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है, ठीक। इसमें लाइन में वही बोल रहा है, फॉर मेकिंग जॉइंट्स वी नीड हाई अमाउंट ऑफ हीट, इट अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब ये जो भी मेटल है जिनको हम जोड़ रहे हैं उनके गुण में चेंजेस ला देगा, मतलब प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ला देगा, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग सम पॉइजनेशियस गैसेस आर जनरेटेड, इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, ठीक है, इट मींस दिस गैसेस आर हार्मफुल फॉर अस, मतलब जब वेल्डिंग का प्रोसेस होता है तो इसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती है, ठीक है, उत्पन्न होती है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। लिखा क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग सम पॉइजनस गैसेस आर जनरेटेड, इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, इट मींस दिस गैसेस आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक, ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग स्पार्क्स आर जनरेटेड, दिस अफेक्ट्स आवर आइज, आपने देखा होगा जब भी वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब भी वेल्डिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक स्पार्क जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, अगर उसको हम नग्न आंखों से, मतलब विदाउट ग्लासेस, अगर अपन उसको देखेंगे तो वो हमारे आंखों को बहुत इफेक्ट करता है, मतलब वो हमारी आंखों की रोशनी को कमज़ोर करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसे हमने लास्ट पॉइंट पे भी, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा उस पे भी हमने देखा है कि जो इसका हीट है, हीट के कारण मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो इस पॉइंट में भी वही बोल रहा है, इट चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। देखो इसमें लिखा है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक यूज टू जॉइंट मेटल्स, मतलब बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सी वेल्डिंग टेक्निक्स है जो मेटल को जॉइंट करने के काम आते हैं। द वेल्डिंग प्रोसेस डिफर्स इन द मैनर इन विच टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कंबाइंड एंड अचीव्ड, द वेल्डिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इन टू टू मेजर कैटेगरीज, ये लाइन देखिए इसमें लिखा है, द वेल्डिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इन टू टू मेजर कैटेगरीज, मतलब जो अपना वेल्डिंग प्रोसेस है ये दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग को ही अपन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है फ्यूजन वेल्डिंग और
नॉन प्रेशर वेल्डिंग, मतलब फ्यूजल वेल्डिंग को ही अपन बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। मतलब बोल रहा है जो भी ज्वाइंट करने के, मेटल को ज्वाइंट करने के लिए अपन बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें जो दो मेजर कैटेगरी से होती है वो होता है, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा होता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि वेल्डिंग करने के लिए अपने को फिलर मटेरियल के साथ भी या फिर विदाउट फिलर मटेरियल, ठीक है, और वैसे ही प्रेशर का यूज करके और बिना प्रेशर का यूज करके, सिर्फ हाई अमाउंट ऑफ हीट का यूज करके अपन ने दो मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेल्डिंग, ठीक है। इसमें वैसे ही डिवाइड किया गया है, एक पहला प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा नॉन प्रेशर वेल्डिंग। याद रखिए प्रेशर वेल्डिंग को ही प्लास्टिक वेल्डिंग कहा जाता है और नॉन प्रेशर वेल्डिंग को ही फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अपन प्रेशर का यूज करके वेल्डिंग करते हैं और नॉन प्रेशर में बिना प्रेशर के अपन वेल्डिंग करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग में होता क्या है कि अपन इसको प्रेशर के थ्रू जब ज्वाइंट बनाते हैं तो इसके जो मेटल, मतलब जिस भी मेटल को अपन जोड़ते हैं उसके मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। ये प्रेशर वेल्डिंग का प्रॉफिट है, मतलब ये एडवांटेज है उसका कि उसके मेटल को, मतलब जिन मेटल्स को जोड़ना है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, ठीक। ये प्रेशर वेल्डिंग का एडवांटेज है। सेम अपोजिट अगर अपन फ्यूज़न वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो जब अपन इसको यूज़ करेंगे तो जो भी मेटल्स रहेंगे जिनको जोड़ना है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया कि दो टाइप्स कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, एक होता है प्रेशर और दूसरा होता है नॉन प्रेशर, ठीक है। उसके बाद अपन टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोस, मतलब ऐसे भी क्लासिफाई है, जिसमें पहला होता है गैस वेल्डिंग, ठीक है, दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग और थर्ड टाइप का होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्थ टाइप का होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, उसके बाद होता है थर्मोकेमिकल वेल्डिंग, फिर होता है रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग, ठीक है। और इनको भी हर टाइप के वेल्डिंग को के भी सब टाइप्स होते हैं। जैसा पहला गैस वेल्डिंग लिखा है, गैस वेल्डिंग भी उसमें कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, प्रेशर गैस वेल्डिंग, ठीक है। वैसे ही आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग में, शील्ड मॉडल आर्क वेल्डिंग में, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। वैसे ही रजिस्टिव वेल्डिंग किस टाइप, कौन कौन से टाइप के होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश, रजिस्टेंस बट, सीम, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं, फोर्ज होता है, कोल्ड होता है, फ्रिक्शन होता है, एक्सप्लोजिव होता है, डिफ्यूजन होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। वैसे ही जो अपना थर्मोकेमिकल होता है वो किस किस टाइप में होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है, एटॉमिक H2 वेल्डिंग होता है, ठीक है। और जो अपना लास्ट होता है रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग, वो भी दो टाइप से होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम और होता है लेजर वेल्डिंग, ठीक है। ये जितने भी टाइप्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहां से गैस वेल्डिंग, उसके सब टाइप्स, आर्क वेल्डिंग और उसके सब टाइप्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसके सब टाइप्स, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग सब टाइप्स, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग सब टाइप्स और रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग और उसके सब टाइप्स। ये सब वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो कैटेगरीज है वो प्रेशर और नॉन प्रेशर ही है, ठीक है। अब ये सब टाइप्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ये जितने भी टाइप्स मैंने अभी बताया और दिखाए, इस चीज के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके, कॉन्टेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।